हमारे समाज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो स्वेच्छा से सेक्स ना करे तो हम उसे बड़े स्वामी टाइप का समझते हैं, उसे बड़े सम्मान की नजरों से देखते हैं। लेकिन दुनिया में एक सभ्यता ऐसी भी है जहाँ सेक्स न करने वालों को पापी समझा जाता है। दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से एक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इस सभ्यता के कुछ ऐसे वियर्ड रूल्स जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दुनिया की महानतम मानव सभ्यताओं में से एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन हमारी आज की मॉडर्न सोसाइटी 18वीं शताब्दी के पहले तक इन सभ्यताओं की जानकारी से अनजान थी। हिस्ट्री के खोजकर्ताओं ने जब इन सभ्यताओं की खोज की तब जाकर दुनिया को पता चला कि हम इंसान किस तरीके से तरक्की करते हुए यहाँ तक पहुँचे। आज से लगभग 6000 साल पहले इराक, कुवैत, सीरिया के क्षेत्र और इसके आसपास के एरिया में एक मानव सभ्यता विकसित थी। इसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहा गया। ये एरिया इंस सिविलाइजेशन का सेंटर था। मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसो जिसका मतलब है बीच यानी सेंटर, पोटामिया जिसका मतलब होता है रिवर यानी नदी, यानी मेसोपोटामिया का मतलब हुआ नदी के बीच का क्षेत्र। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दो नदियों के बीचों बीच डेवलप थी। ये दो नदियां थी दिजला और फरात। ये सिविलाइजेशन यहीं से शुरू हुई और यहीं डेवलप हुई। मेसोपोटामिया में चार डिफरेंट सिविलाइजेशन डेवलप हुई। ये थी असीरिया, बेबीलोनिया, कैलेट्रिया और सुमेरिया। बात करते हैं मेसोपोटामिया की बेबीलोनिया सभ्यता की, जहां सेक्स पार्टी अक्सर हुआ करती थी और इसे कोई गलत नहीं माना जाता था। आज की डेट में हमारी आपकी सोसाइटी में सेक्स को सीक्रेट और कम रखते हैं। भले ही हम आज सेक्स ना करने वालों को स्वामी मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उसे संत मानते हैं, लेकिन बेबीलोनिया सिविलाइजेशन में सेक्स ना करने वालों को समझा जाता था उसे पूरी उम्र एक अपराधी की नजर से देखा जाता था। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के जो अवशेष हमें मिले हैं उन्हें कुछ ऐसी नक्काशी वाली चीजें मिली है जिन्हें देखकर ये पता चलता है कि वहां के लोगों का सेक्सुअल बिहेवियर कैसा रहा होगा। यहाँ हर व्यक्ति के लिए सेक्स करना कंपल्सरी है। इसके लिए एक स्पेशल जगह बनाई गई थी जहां हर आदमी के जीवन में महिला का आना होता था। जो कोई भी अपना सिक्का उछालकर महिला की गोद में डाल देता था वही उस महिला के साथ पहले फिजिकल रिलेशन बनाता। बेबीलोनिया सिविलाइजेशन में डिनर पार्टी की परंपरा थी। इस डिनर पार्टी में मेल फीमेल दोनों ही शामिल होते थे और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती थी ये डिनर पार्टी सेक्स पार्टी में कन्वर्ट हो जाती थी। इस तरह की सेक्स पार्टी वहां पर परंपरा की तरह निभाई जाती थी। इस तरह वहां के सभी कपल की रातें रंगीन हो जाती थी। बेबीलोनिया सिविलाइजेशन में महिलाओं के खरीद फरोख्त का चलन था। यहाँ पर एक मैरिज मार्केट हुआ करता था जहाँ पर महिलाओं की नीलामी होती थी और जो आदमी महिलाओं की सबसे ऊंची बोली लगाता वो उस महिला को अपने साथ ले जाता। बेबीलोनिया सिविलाइजेशन की किताब में इस बात का भी उल्लेख है कि वहां का राजा हम्मुराबी था जिसने ये नियम बनाया था कि महिला को खरीद कर ले जाने के बाद उन दोनों की शादी तभी मान्य होती थी जब वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई एक दूसरे के साथ बेवफाई करता तो उसकी कड़ी सजा मिलती। यदि कोई महिला अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ रिलेशन बनाती तो उसे यहाँ के कस्टम के अकॉर्डिंग पानी में डुबोकर मार दिया जाता। आपको लग रहा होगा कि यहाँ के लोग बड़े डिफरेंट नेचर के हैं। ये बात सही है। सेक्सुअल बिहेवियर के मामले में जहाँ सनातन संस्कृति में नियम और संयम का पाठ पढ़ाया जाता है वहाँ इस सभ्यता में ऐसी बातें नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ के लोग भी काफी इंटेलेक्चुअल होते थे। इन लोगों ने ही एक साल के समय का कैलकुलेशन इस फॉर्मेट में किया जिसे आज हम यूज करते हैं। इन्होंने साल को 12 महीनों में डिवाइड किया, 12 महीनों को 4 हफ्तों में डिवाइड किया, 4 हफ्तों को 7 दिन में डिवाइड किया। आगे चलकर इसी सभ्यता के लोगों ने बेसिक 360 सिस्टम की दुनिया के सामने रखा। सिस्टम के तहत एक घंटे को 60 मिनट, एक मिनट को 60 सेकेंड और एक सर्किल को 360 डिग्री माना गया। ऐसा माना जाता है कि बेबीलोनिया के लोगों द्वारा डेवलप किया गया था। ये टाइम डिवीजन सिस्टम सिकंदर के बाद के शासकों ने अडॉप्ट किया और वहां से होता हुआ ये रोम पहुंचा। वहां से इस्लामिक देशों के पास ये जानकारी पहुंची और फिर पूरी दुनिया में फेमस हो गई। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के लोगों द्वारा ही डिवाइड करना, रूट फाइंड आउट करना और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया गया। यहाँ के लोगों का आर्किटेक्चर जबरदस्त था। मेसोपोटामिया के लोगों ने बहुत ही जबरदस्त इमारतें बनवाई थी और इनका इस्तेमाल ये लोग पूजा पाठ के लिए किया करते थे। इसके साथ ही कुछ ऐसी इमारतें भी थी जिनका इस्तेमाल वो बगीचे की तरह करते थे। आपने शायद हैंगिंग गार्डन के बारे में सुना हो, वो भी इसी सभ्यता की देन है। 6वीं शताब्दी में न्यू बेबीलोनिया के राजा
नबूकदनेस्सर सेकंड की रानी अमाइकस जब अपने मायके से ससुराल आई तो अक्सर उदास रहा करती थी, क्योंकि वहां अपने पिता के घर के पेड़ पौधों को काफी मिस किया करती थी। राजा ने रानी की इस बात को समझा और उसने अपने महल के पास ही पेड़ पौधों से सजा हुआ महल तैयार करवा दिया, जो दिखने में ठीक वैसे ही लगता था जैसे कि रानी याद किया करती थी। राजा ने सचमुच ऐसी पहाड़ नुमा इमारत तैयार की जिसमें एक नहीं कई सारे बगीचे थे जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थे और अपने समय का दुनिया का एक अजूबा था। एक भूकंप के दौरान ये खूबसूरत क्रिएशन डैमेज हो गया। मेसोपोटामिया के लोगों ने क्यूनी फॉर्म को इस्तेमाल किया था। दरअसल यहाँ की शिक्षा प्रणाली काफी विकसित थी और ये लोग मिट्टी की स्लेट का इस्तेमाल लिखने के लिए किया करते थे। वन टाइम यूज होने वाली ये स्लेट चिकनी मिट्टी से तैयार होती थी। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले चिकनी मिट्टी को गूंथा जाता था और उसके बाद उसकी एक पट्टिका तैयार की जाती थी। फिर उस गीली पट्टी पर सरकंडे की तिल्ली के जरिए मनचाही इबारत लिखी जाती थी, फिर उसे सुखा लिया जाता था। जब ये लिखी हुई इबारत किसी काम की नहीं रहती थी तो उसको फेंक दिया जाता था। राइटिंग के सिस्टम क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों ने लिखने के लिए अपनी लैंग्वेज और इस सिस्टम को डेवलप किया था। मेसोपोटामिया की खुदाई के दौरान ऐसी कई चीजें हैं जो हमें इसके बारे में और यहाँ के लोगों की एजुकेशन प्रणाली के बारे में काफी कुछ बताती है। मेसोपोटामिया के लोग देवी देवताओं में भरोसा करते थे। वे अलग अलग कैटेगरी के देवी देवताओं को मानते थे। सबसे बड़े देवता की पूजा उसे छोटे देवता करते थे, फिर इनकी पूजा उसे छोटे देवता गण किया करते थे। इस सीक्वेंस में सबसे नीचे इंसानों का नंबर आता था, वो सभी की पूजा करते थे और सबकी आज्ञा का पालन करते थे। इस क्षेत्र की खुदाई के दौरान इस सुंदर नक्काशी के साथ ये जो पट्टिका मिली है, ये इंसानों के द्वारा लिखी गई सबसे पुरानी लिखावटों में से एक है। इसी सभ्यता में ईसा से 6000 साल से पूर्व खेती की शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ के लोग शुरुआत में खेती से ज्यादा इंपॉर्टेंस पशुपालन को दिया करते थे। वो पशुओं के जरिए अपने जीवन को आसान बनाया करते थे। इसी सभ्यता के लोगों ने दूध का इस्तेमाल करके उसके अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खेती को भी अपनाया और उसे डेवलप करते चले गए। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में इस टाइम पीरियड में वैश्यवृत्ति का एक बड़ा कारोबार हुआ करता था, लेकिन ये काम केवल अमीरों के लिए था। जिसके पास पैसा होता था वो स्त्रियों को खरीद कर उनसे मनमाना भोग करते। अमीर आदमी एक से ज्यादा शादियां कर सकता था। बहुविवाह की इस परंपरा को अमीर आदमी अपने शौक पूरा करने का साधन मानते थे। पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को पति की संपत्ति इस्तेमाल करने और उसे बेचने का अधिकार था। इस सभ्यता में महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा भी थी, लेकिन ये पर्दा प्रथा केवल राजघराने की महिलाओं के लिए थी। आम महिलाएं अपना चेहरा बिना ढके रहती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिकंदर के द्वारा नष्ट कर दी गई। सिकंदर ने 331 और सभ्यता और संस्कृति के नामो निशान मिटा दिए। वहां पर ग्रीक संस्कृति को एस्टेब्लिश किया। इस संस्कृति का सारा ज्ञान और कल्चर नष्ट हो जाने के बाद इस जगह पर समय की रेत गिरती चली गई और 18वीं शताब्दी में एक बार फिर इस सभ्यता के बचे कुछ अवशेषों को खोद कर निकाला गया। ये अवशेष आज भी लेब्रो म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। हमें यकीन है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको इस सभ्यता का सबसे वियर्ड रूल कौन सा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में बताना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।